मंदिर हर जगह में बच्चों में भी गया, क्या उत्साह है आप देखिए। अयोध्या राम मंदिर का पूरा इतिहास महत्व सब कुछ लिखा हुआ है। झलमड़े 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 पी, अभी तक कुछ खाए? अभी तक तो चाय के लिए खड़ा है, चाय पीना है और उधर बन रहा है पकौड़ी चना रहा है। पैसा दीजिएगा कि विद्यार्थी को डरा? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बिना पैसा का कैसे होगा। दुकानदार लोग से पूछना है। सर 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 पैसा दे रहे हैं ना? यस सर। फ्री में नहीं देना है? फ्री में। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं, हमें आपके साथ गोविंद राज, और आज ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। और ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसको लेकर के पीछे कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पर आप देखने को आपको मिल रहा होगा, फूड स्टॉल लगा हुआ है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर खास है और क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन राज। क्या बनाए हैं, कौन सी क्लास में? हम लोग क्लास 10 के हैं, और हम ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारे पूरे हॉस्टलर क्लास 10 वालों का प्रोजेक्ट है। ये पूरा जो है सब आप ही लोग का है। हाँ, क्या है ये, क्या चीज़ है? ये है डेवलपिंग गोटा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, वेलकम यहाँ से, अडानी से यहाँ। अच्छा, तो गोड्डा में ये अडानी का जो प्लांट हुआ बनाने की कोशिश किए हैं, और गोड्डा के अडानी प्लांट वो कारगिल चौक हुआ, और आगे वो क्या है, GSPS चैंपियन जो था, इसलिए गांधी मैदान में आप लोग चैंपियन हुए थे, इसलिए वो बनाए हैं। और ये अपना स्कूल का बनाए हैं, इसको एक बार दिखाइए स्कूल। ये ज्ञानस्त्री का स्कूल का ही अपना ढांचा है। हाँ, ये अपना ज्ञानस्त्री है। यहाँ पे जो मंदिर है, काली मंदिर का भी वो है, वो क्या है, हनुमान मंदिर, वो नया जो सरगंडा चौक पर बन रहा है वो है। तो देखिए पूरे गोड्डा को ही लोगों ने किस तरीके से दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ पर एक मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस स्टेशन आप देख सकते हैं, ये असनमनी का मस्जिद है, ये भैन हुसैन का वो शोरूम है, और ये सब कुछ यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं ज्ञानस्थली की, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानस्थली में, और कुछ क्या क्या लोग खास बनाए हैं जरा देखें। और एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का 22 जनवरी को होना है, उसको लेकर के ये राम मंदिर बनाए। कौन से क्लास के हैं? 8 क्लास के हैं। क्या आप राम मंदिर का जो है नक्शा बनाए हैं? हाँ। कहाँ से बनाए, कैसे मन में आया कि इसको बनाया जाए, और कहाँ से निकाले फोटो, कैसे देखे? देखिए तो राम मंदिर 22 तारीख को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्घाटन होने वाला है, तो उन्हीं के याद में हमने सोचा कि उनका एक 3D मॉडल बनाया जाए, देखने में भी अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम, तो हम लोग सोचे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में राम मंदिर को ही बना दिया जाता है। क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, साइंस एग्जीबिशन चल रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है, फूड स्टॉल, ये सब लगा हुआ है? यस। तो देखिए एक बार इसको दिखाइए अच्छे से, किस तरीके से जय श्री राम लिखा हुआ है, और राम मंदिर का ये ढांचा जो है, जो मंदिर जो बनना है, जो 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से मंदिर बनाया जाएगा। और भी कुछ यहाँ पर है ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल, यहाँ पे भी देख लिया लोगों ने भी स्कूल का बनाया अपने स्कूल को ही। क्या नाम हुआ? आदित्य शर्मा। कितना देर लगा बनाने में, कैसे, कौन कौन थे आपके टीम में? 5 लड़के थे हमारे टीम में। 5 लड़के थे? यस। कितने देर में बनाया? 6 घंटे में। 6 घंटे में बना दिए, देखिए अपने स्कूल को ही लोगों ने बनाने की कोशिश की। और ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये क्या बनाई है, क्या नाम हुआ आपका? आयुषी गुप्ता। क्या बनाए हैं? वाटरफॉल। कौन कौन मदद किया बनाने में, अपने से बनाए? अपने से। बहुत अच्छा बनाए, देखिए क्या इसमें क्या होगा बताइए तो। जैसे कि ये हो गया पाउंड, ये सब पत्थर है छोटा छोटा सा, और यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है। तो देखिए 2 क्लास की लड़की है, और कितना बेहतरीन, देखिए अपने से सजाई है, उसको बनाई है। तो ये स्कूल का, ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल का ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार यहाँ देख लीजिए फिर से, राम मंदिर का जो अभी क्रेज चल रहा है उसको लेकर के आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर हर जगह में बच्चों में भी गया, क्या उत्साह है आप देखिए। अयोध्या राम मंदिर का पूरा इतिहास महत्व सब कुछ लिखा हुआ है। तो ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल की तस्वीर है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनाया गया है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी और तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार देखिए चारों तरफ से आपको नज़ारा दिख रहा होगा, लोग बहुत कुछ यहाँ पर बनाए हैं। देखिए स्कूल के बच्चों ने ये क्या कुछ बनाया, स्टेडियम बनाया है, कौन बनाया है इसको? हम लोगों ने बनाया। कुलदीप कुमार। कौन से क्लास में? 9। क्या बनाया है? स्टेडियम बनाया है। और क्या कुछ है स्टेडियम में एक बार बताइए? ये यहाँ पे दर्शकों के लिए बैठने के लिए ये पवेलियन है, और ये ग्राउंड है, ये DRS सिस्टम है, और यहाँ पे मैच होता है। तो पूरे जो स्टेडियम को बना करके दिखाए हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे लोग जो है क्या कुछ बना रहे हैं, एक बार और यहाँ भी तस्वीर दिखाते हैं। ये क्या कुछ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। क्या है ये? विंडमिल है। कैसे काम करता है, क्या है? जब हवा से जब ये रोटेट करता है, तो ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद
ये एनर्जी को सेव करता है, और एनर्जी को सेव करने के बाद ये ट्रांसफार्मर पूरे सिटी में समांतर से इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो करता है। क्या क्या बनाने का कोशिश की है, क्या है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये क्या मतलब जैसे कि ये रोड एक्सप्लेन के बारे में बता रहा है, अगर अगर कोई गाड़ी मतलब सही डायरेक्शन से आएगी तो ये मतलब ब्रेकर तरह काम करेगा, और अगर ये कोई मतलब रॉन्ग साइड से आ रही है तो इस गाड़ी को ये रोक देगा, मतलब उसका गाड़ी को पंचर कर देगा, रोक देगा, पंचर कर देगा, इसलिए लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो ये बनाने की कोशिश किए हैं कि दिखाने का कि अगर ऐसा होगा तो लोग अपने साइड से ही चलेंगे। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडल ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, तो वो कैसे काम करता है आप उसको बताए हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं, एक बार इनका भी दिखाइए, ये देखिए कैसे बनाए हैं, और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लोग यहाँ पर जो है, जो बच्चे हैं यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए हैं और तरह तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों ने देखा, कोई ज्ञानसली का नक्शा बनाया है, कोई ज्ञानसली का पूरा स्कूल का ढांचा तैयार कर दिया है, तो कोई राम मंदिर जिसका उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर के भी बच्चों में क्रेज़ है, वो भी यहाँ पर लोग बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख लीजिए कि लोग जो पहुँच रहे हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार भी यहाँ पहुँचे हैं और ये भी देख रहे हैं चारों तरफ से कि क्या कुछ है। गोड्डा का ये जो नक्शा हम आपको शुरू में दिखा रहे थे, गोड्डा का पूरा, गोड्डा में कहाँ कुछ क्या कुछ है, यहाँ पर सर भी देखने पहुँचे हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चों का मेहनत देख के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे करने की जो ललक रखते हैं वही सबसे बड़ी तारीफ की चीज़ है, सीखने की ललक होनी चाहिए जो बच्चों में पूरा पूरा मुझे देखने को मिला। मैं बहुत इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। ये तो होता है कि जब तक इंटरेस्ट आप नहीं लोगे तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। और बच्चे जो हैं तरह तरह की चीज़ें, साइंस के भी चीज़ों दिखाया कि कोडिंग करके और बहुत कुछ बना के बच्चे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। माहौल की ज़रूरत होती है, और स्कूल में ये जो स्थापना दिवस में जो माहौल दिया गया उसमें बच्चों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। कितने दिन में तैयारी किए थे सर ये लोग? ये 3-4 दिन का तैयारी है। 3-4 दिन में इतना कुछ बना लिया? हाँ हाँ। फूड स्टॉल भी इस बार लगा हुआ है? फूड स्टॉल भी लगा हुआ है, देख रहे हैं कि फूड स्टॉल में कितना भीड़ लगा हुआ है। तो बेहतरीन तरीके से ये मनाया जा रहा है, फूड स्टॉल भी लगा हुआ है। एक बार फूड स्टॉल की जल्दी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको कार्यक्रम क्या कुछ होगा अगले वीडियो में वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है ये सब, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? गुपचुप और गोलगप्पा। कितना दाम रखे हैं? 10 रुपया में 6 गोलगप्पा यहाँ पर बिक रहा है। और आपका कितना रेट है? झालमुड़ी 10 का। झालमुड़ी 10 का। झालमुड़ी कैसे बोला जाता है, बोलने आता है? झालमुड़ी। झालमुड़ी कैसे बेचते हैं? झालमुड़ी चटपटी बोल के। ये क्या चटपटी? बोल के चटपटा झालमुड़ी। झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। तुम क्या बेचेगा? चौमीन 10 रुपए का। कौन बनाया चौमीन, कौन बनाया? मेरी दीदी और पापा। दीदी और पापा मिलके बनाए चौमीन। कितना का बिका? अरे 5 रुपए लोन में। कितना रुपया हुआ अभी दिखाइए, पैसा दिखाइए, पैसा दिखाइए। लोग कितना पैसा यहाँ पर जो है जमा कर लिया? 215। कोई फ्री में मांगेगा देगा? नहीं 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 देगा फ्री में, क्या कि पैसा लगा के पहुँचा है। और क्या कुछ है, एक बार दिखाइए, और क्या कुछ है यहाँ पर, दिखाते हैं जल्दी जल्दी। फूड स्टॉल में क्या कुछ खास है, क्या कुछ क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है यहाँ पर? ब्रेड पकौड़ा। हाँ, ब्रेड पकौड़ा। कितना दाम है? 10 रुपया का है। देखिए तो चारों तरफ से ये पर लगा हुआ है फूड स्टॉल, जो गार्जियन आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने से बनाए हैं, अपने घर में जो है अपने पिताजी से, अपने वाहन से जो आप देख रहे हैं वो लोग बना करके लोगों को दी है, और यहाँ पर जो है फूड स्टॉल का काम यहाँ पर चल रहा है। एक बार जल्दी जल्दी हम आपको तस्वीर चारों तरफ से दिखा देते हैं कि क्या कुछ खास है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉफ़ी चल रहा है एक तरफ से, और हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है यहाँ, देखिए गोलगप्पा का स्टॉल है यहाँ पर, झालमुड़ी चल रहा है। क्या नाम है? आर्या कुमार। कौन सी क्लास में? 7th class। 7th class। क्या बेच रहे हैं? झालमुड़ी। झालमुड़ी कैसे बेचा जाता है बोल के बताइए? मुड़ी इसमें मिलाया जाता है, चना मिलाया जाता है, फिर कुछ मसाले मिलाए जाते हैं, फिर चनाचूर मिलाए जाते हैं। कहाँ सीखे? दुकान से देख देख के सीखे। देख देख के सीखे थे। यहाँ पर देखिए गोलगप्पा का भी स्टॉल है, चाय यहाँ पर चल रहा है, तो बढ़िया बढ़िया चीज यहाँ पर चल रहा है। क्या सर कैसा लग रहा है स्कूल के बच्चे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मार्वेलस। क्या क्या लिए अभी तक, कुछ खाए? अभी तक तो चाय के लिए खड़ा है, चाय पीना है, और उधर बन रहा है पकौड़ी चना रहा है। पैसा दीजिएगा कि विद्यार्थी को डरा? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बिना पैसा का कैसे होगा, दुकानदार लोग से पूछना है। सर 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 पैसा दे रहे हैं ना? यस सर। फ्री में नहीं देना है? फ्री में कोई नहीं देना। तो
यहाँ पर जो है सर लोग भी आए हैं अपना खाने के लिए और पूरी स्टॉल है, बड़ा बेहतरीन लग रहा है देखने में। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उत्साहित हैं बनाने के लिए। क्या बिक रहा है? पानी पूरी सर। कितना दाम है? 10 का 5। अरे उधर 10 का 6 दे रहा है। तो सर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को भी। इसका महंगा है थोड़ा, उधर 10 का 6 मिल रहा था, यहाँ 10 का 5 मिल रहा है। तो तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।